ओडिशा के सीएम मानिक साहा सी डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में खेलकूद में काफी प्रतिभा है। हमारे पीएम मोदी जिस तरह खेल को बढ़ावा दे रहे हैं उसी तरह हम भी ये कोशिश कर रहे हैं। हमने कम से कम 7 जगहों पर सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाए हैं और इसमें 5 करोड़ रुपए एक एक मैदान में लगा है। रात तक खेल जारी रखने के लिए फ्लड लाइटें भी लगाई गई हैं। नहीं देखिए, त्रिपुरा में बहुत दिन से हम लोग बचपन से भी देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेल कूद में काफ़ी टैलेंट्स है। तो हमारा सरकार आने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह खेल को बढ़ावा दे रहे हैं उस हिसाब से हम भी उसको कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर आज जो यहाँ पर उमाकांता एकेडमी में मैं इसी स्कूल से पास किया हूँ और इसी स्कूल का जो ये फील्ड है ये हम लोग सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया था। सिर्फ यहाँ नहीं है, बहुत सारे जगह एक एक जगह एक एक कम से कम 7 जगह में हम लोग ये फुटबॉल ये सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बनाया। उसमें 5 करोड़ एक एक फुटबॉल ग्राउंड में लगा। अभी डिमांड था खास करके यहाँ त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन के तरफ से और जनता हमेशा चाह रहे हैं कि यहाँ पर फ्लड लाइट लगाया जाए तो रात को भी खेल हो। तो ये भी अभी लगाया कम से कम 5 करोड़ यहाँ पर हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से खर्चा हुआ, PWD इसको बनाया और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर जो ये लोग फिक्सर बनाते हैं ना, जैसे गर्ल्स टीम हो या उसके बाद इनका बहुत सारा ये है जैसे जूनियर सीनियर, तो ये अभी ये होने से फायदा हो गया, इनको खेलने का सुविधा ज़्यादा हो जाएगा, टाइम अभी ज़्यादा